आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीसीसी पे अपोस्टाइल प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। देखो आज ये मेरे पास एक मुंबई से पासपोर्ट ऑफिस से इशूड पीसीसी है, इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपोस्टाइल प्रोसेस हुआ है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो यहाँ लिखा है पासपोर्ट ऑफिस मुंबई है, मुंबई से इशूड पीसीसी है। सब जगह से मतलब जितने भी इंडिया का स्टेट है पासपोर्ट ऑफिस से जो भी इशू होते हैं पीसीसी उसमें वो एज इट इज इस तरह से ही होते हैं। देखो यहाँ लिखा है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मुंबई, तो यहाँ मुंबई का कहीं और स्टेट का होगा तो यहाँ वो स्टेट का नाम लिखा होगा। तो पीसीसी सब जगह पे पासपोर्ट ऑफिस से जो भी इशू होता है वो ऐसे ही होता है। तो ये महाराष्ट्र इशूड पीसीसी है और पीसीसी कभी भी पासपोर्ट ऑफिस से इशू करने का। देखो यहाँ लिखा हुआ है किंगडम ऑफ मोरक्को, इसको मोरक्को में यूज करना था इसलिए इसने मोरक्को के लिए पीसीसी इशू किया है। आप पासपोर्ट सेवा साइड है जो मतलब आप पासपोर्ट के लिए जहाँ से अप्लाई करते हैं वहाँ से ही पीसीसी का एज इट इज जैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसी तरह से इसमें पीसीसी का आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पासपोर्ट ऑफिस जाके आपको वो जैसे ही आप पासपोर्ट के लिए लेके जाते हैं दो एड्रेस प्रूफ लेके जाके फिर पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फीस भी ऑनलाइन आपको भरेंगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगा पासपोर्ट ऑफिस का, उस दिन जाके पीसीसी के लिए आपके दो रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ लेके जाके पासपोर्ट लेके जाके पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से अपोस्टाइल प्रोसेस हुआ है। देखो ये महाराष्ट्र इशूड पीसीसी है तो इसमें महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट लगा हुआ है। अगर महाराष्ट्र का बाहर का कहीं का भी पीसीसी होता, महाराष्ट्र का स्टेट से बाहर का कहीं भी का भी पीसीसी होता तो वो दिल्ली से अपोस्टाइल होता था तो उसमें ये महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट नहीं लगता था, इसके जगह पे दिल्ली से एसडीएम का स्टैम्प लगता था। तो अभी बताता हूँ मैं इसका प्रोसेस किस तरह से स्टार्टिंग हुआ है। तो सबसे पहले इस पे ये नोटरी करना पड़ता है। देखो यहाँ लिखा है नोटरी, ये नोटरी का टिकट लगा के ये एडवोकेट का नोटरी का इस पे स्टैम्प लगता है और एडवोकेट का नोटरी का इस पे सिग्नेचर होता है। ये भी नोटरी का स्टैम्प है, वो भी नोटरी का स्टैम्प है और हर एक स्टेट वाइज थोड़ा सा नोटरी डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर ये महाराष्ट्र का बाहर का डॉक्यूमेंट होता, अगर दिल्ली में आप सबमिट करते थे तो दिल्ली में एक सिर्फ सिंपल एक नोटरी का स्टैम्प लगता है, फिर एसडीएम का स्टैम्प लग के फिर अपोस्टाइल प्रोसेस होता है। तो ये महाराष्ट्र का है तो इधर सबसे पहले नोटरी होता है, नोटरी होने के बाद में इसको महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट सबमिट किया जाता है। देखो लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय, इसको जीएडी भी बोलते हैं, होम डिपार्टमेंट भी बोलते हैं और सेक्शनल ऑफिसर का स्टैम्प भी बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, फिर ऑफिसर का इस पर सिग्नेचर होके फिर ये ऑफिसर का स्टैम्प और डेट लगता है। ये होने के बाद में इसको हम लोग को दिल्ली भेजा जाता है, ये सर्टिफिकेट हम लोग दिल्ली भेजते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, इसको काफी लोग विदेश मंत्रालय भी बोलते हैं क्योंकि अपोस्टाइल एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इशू करता है। ये पीसीसी भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पासपोर्ट से होता है। तो ये आप सबमिट करेंगे एमईए में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में तो ये अपोस्टाइल का स्टिकर लगेगा। देखो यहाँ लिखा है अपोस्टाइल, ये अपोस्टाइल का स्टिकर लगने पे उस पर पोलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट करके उस पर क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है पोलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीसीसी और किसने इशू किया था पीसीसी तो वो उधर इसका नेम आता है और ये किसको इशू किया है जो पीसीसी जिसका नाम का होगा उसका नेम इधर आता है इशू टू, इधर नाम आता है जो मैंने ब्लर किया है और ऑफिसर का इस पर स्टैम्प लगता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का और ऑफिसर इस पर सिग्नेचर करता है। देखो यहाँ भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही पीसीसी को इशू करता है। ये होने के बाद में आपका पीसीसी का प्रोसेस पूरा होता है। अगर आपको ये पीसीसी अपोस्टाइल करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिसके वजह से आपको अटेस्टेशन अपोस्टाइल इमिग्रेशन वीज़ा रिलेटेड अपडेट हमेशा जब भी मैं डालूंगा वीडियो तो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।